नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। इन दिनों मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं और लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कारखाने में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पूरा पानी बाउंड्री के नीचे से रोड से बहते हुए ग्रामीणों के खेत में जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपको बता दी, ग्रामीणों की धान की रोपाई की सारी फसल नष्ट हो गई है, जिसके चलते जनपद प्रतिनिधि एवं युवा समाज सेवी इंजीनियर आशुतोष सिंह ने बताया कि हम लोगों ने कई बार जेपी प्रबंधन से इस मामले में बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने जल निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों के लिए पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन मिला था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने जल निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते वहां पर रहने वाले दुकानदार, रोड से चलने वाले राहगीर एवं स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को रोड के ऊपर जल भरा होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन भी इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करता नजर नहीं आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है पंडित जी? फैक्ट्री के अंदर से आ रहा है। फैक्ट्री के अंदर का पानी है? ये पानी फैक्ट्री के अंदर से आ रहा है यहाँ पर। तो अपनी व्यवस्था नहीं की है क्या निकासी के लिए ये लोग? नहीं तो कर रहे हैं कंपनी अपनी व्यवस्था। अच्छा, नहीं बन जी, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या ये है कि किसानों की जो ये पानी के लापरवाही से किसानों का जो नुकसान है, स्कूल से बच्चे आने जाने में, स्कूल के बच्चों का भी नुकसान हो रहा है आने जाने में। ये पानी की, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरी बाउंड्री के जितने भी यहाँ से लेकर नर्मदा गेट तक पूरी बाउंड्री से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, इससे बच्चों का भी नुकसान है। इनको 6-7 महीने का समय रहता है गर्मी के सीजन में, इस व्यवस्था करना चाहिए इनको, अच्छी से व्यवस्था करना चाहिए, जिस तरह पहले करते थे जो पूर्व में अधिकारी रहते थे, वो पूरी व्यवस्था करते थे बाकायदे से, जो कि गाँव वालों का नुकसान नहीं चाहते थे। लेकिन अभी इन लोगों को पता नहीं क्या है, एक साल से कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या व्यवस्था। अच्छा, आप इस क्षेत्र के जनपद सदस्य भी हैं, कौन सा वार्ड लगता है? 7 नंबर। क्या नाम लिखते हैं आप? गणेश साके। और इधर से जो हमारा ये वार्ड भी है फैक्ट्री पर, हमारे उसमें ही वार्ड। अच्छा, क्या तो कहेंगे आप इस विधि की लापरवाही के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमारा सुझाव है कि अच्छे से सबको बुला करके किसानों को बातचीत करें और बातचीत करके इसका जो है कि क्लियर होता है। जैसा हमें कई किसानों ने अवगत कराया है कि हमारी धान की फसल भी खराब हो रही है। हाँ, तो उसी के संबंध में अब किसानों को बुला करके, जिनका नुकसान होता है, स्कूल के बच्चों का नुकसान होता है, तो जो यहाँ का प्रबंधक है जिम्मेदारी। जैसे आप लोग जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो आप लोगों का, आप लोग तो बोले होंगे कि भाई अपनी जल निकासी की व्यवस्था आप लोग करिए। इस चीज़ के लिए हम लोग कहेंगे और व्यवस्था ये लोग करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर उनके कर्मचारी जो ऊपर मालिक है प्रबंधक, जो यहाँ भी मालिक बन के बैठे ये लोग अपना करें, जिनको देखने के लिए यहाँ रखा गया है। क्या नाम लिखते हैं आप? गणेश। जनपद सदस्य हैं? जनपद प्रतिनिधि। जनपद प्रतिनिधि। भैया, यहाँ पर अभी जैसे हमको कुछ लोगों ने बताया है कि रोड से काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है, कुछ हम देखे हैं कि कुछ बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, उनकी गाड़ी बंद हो गई थी तो भींग गए हैं, वो क्या कैसा है, किसका पानी आ रहा है? ये कंपनी प्रबंधन का पानी है और रोड से नहीं आ रहा, पूरा ये हमारे खेत में आ रहा है। जी जी। और हर साल आता है ये पूरा, इसका जो पूरा कैंपस में पानी भरता है, यहीं ले जाके बाउंड्री के अंदर, देख लीजिए बाउंड्री के अंदर छोटे छोटे जाल बना कर रखा है। जी जी। और उसकी वजह से हमारे पूरे खेत की फसल ख़राब हो रही है जी। और इन्हीं के दर्द के कारण हमने एक नाली बनवाई है, देखिए आप इधर नाली बनवाया कहते किनारे किनारे, हमने चारों तरफ अपने नाली बनवाया ताकि पानी निकल जाए। इनसे बात थी कि क्योंकि हमारी ज़मीन में आप बना दो नाली, इन्हें कोई खर्चा भी नहीं किया, हमने अपने पैसे से बनवाया नाली ताकि पानी हमारा पूरा निकल जाए। और तो भी नहीं होता, ऐसा हर साल में नाली खराब होती है, इसके कारण पूरे खेत फसल खराब हो रही है। नहीं, इसके लिए आपने किसी को सूचना दिया था क्या? हम कंपनी प्रबंधन को कई बार लिखित सूचना पहले दिए हैं जी, कई वर्षों से देते आए हैं। तो इसमें क्या एक्शन हुआ था? कोई एक्शन नहीं लिया साहब, अब सुनील शर्मा जी थे वो थे सब कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा है कई सारे, इसमें कितने एकड़ की फसल इसमें खराब हो गई? हमारी कम से कम हमारी और आसपास के गाँव 40-50 एकड़ की फसल इसमें कंपनी प्रबंधन के पानी के कारण खराब हो रही है। अच्छा, देखिए आप जाकर अभी आप फसल जल्दी दिखा देंगे, बहुत सारे खेत डूबे हुए। धान की रोपाई हुई थी क्या? हाँ, पूरे रोपाई पूरे खेत में रोपक फसल नहीं हुई। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं आपको, मेरा किसान जहाँ खड़े हैं पीछे खेत है मेरा और है किसान हूँ मैं,
और पूरी फसल मेरी खराब हो गई। अच्छा, जो यहाँ पर आप लोगों ने बनाया है ये नाली निकासी के लिए, आपने से मनवाया था? हाँ, पूरा अपने से मनवाया था मैंने, इसीलिए कर दूँ कि हमेशा कंपनी वाले पानी छोड़ देते हैं, इधर से पीछे से छोड़ के और आगे से, और आगे इनके कॉलोनियाँ हैं उनका पानी आता है, उस पर खेत हमारे कंटिन्यू बना, बुआई नहीं कर पाते जमीन की। अच्छा, इसके आगे भी एक नाला है, वहाँ से भी सुनने में आया है चाचा जी का है, उनके खेत में पूरा आ रहा है पानी, उनमें चाचा जी ने पूरा घर बनवाना पड़ा, बनवाना पड़ा मजबूरी में उनको, वहाँ पर पूरा उनने फिलिंग कराया सब कुछ कराया, पर फिर कंपनी वाले नजर उसकी नाला छोड़ के गुंडागर्दी कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब कुल मिलाकर के फैक्ट्री प्रबंधन की इसमें घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, बड़ा अत्याचार है ये किसान ऊपर ना, बहुत गलत ये सोच, हमारी पूरी दोस्ती पानी छोड़ रहे हैं लोग, अपना व्यवस्था बनाए अपनी तरफ। अगर ये लोग अपनी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे आगे चलने के लिए? कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। हर साल इस पर कम से कम 40-50 एकड़ जितने किसानों की फसल खराब हो रही है, कुछ लोग करना पड़ेगा परेशानी के। अच्छा, ये जितना पानी आ रहा है सब इनकी फैक्ट्री के अंदर से आ रहा है? कंपनी का पानी आ रहा है, बाहर का पानी नहीं, सब फैक्ट्री के अंदर का पानी, ऑलमोस्ट पानी कंपनी का है, कोई निकलने का है नहीं, चारों तरफ से पानी स्टार्ट करके मुझे एक तरह से बना करके देखिए, आप यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, वहाँ पर आगे जाके देखिए कि पॉइंट बने हुए हैं, पूरा पानी ही बना कर रखा है इनमें। अभी कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया में एक खबर भी वायरल हुई थी, एक बार इसमें इन्होंने शायद कहा था कि हम इसमें कार्रवाई करवाएंगे। हर बार कहते हैं कार्रवाई करने को, होता है अभी बारिश खत्म हो जाएगी, हो गया, हमेशा बारिश आती है, हर साल होता है वहाँ की, अभी आगे चले जाए दो तीन दुकानें हैं, घर बनाए बचाए रहते हैं कि बाहर से आके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके घरों में पानी भर रहा है, देखिएगा क्या पूरी कॉलोनी भर रहा पानी उधर बाहर, गाँव है हमारा यहीं पर राम वाली पथेरी गाँव में धवनी पंचायत का, वहाँ पर देखिए घरों में पानी भर रहा है, ये घर बने हुए किनारे पे वहाँ पानी भर रहा है, इनके कारण जवाब नहीं, कुछ ना कुछ तय करनी पड़ेगी शासन प्रशासन को भी, कई बार पुलिस चौकी भी सूचना दी, चौकी वाले को कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे इस मामले में।